नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने फ़ोन का थीम कैसे चेंज कर सकते हैं वॉलपेपर के साथ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके बाय डिफ़ॉल्ट रूप से इस टाइप के आइकन देखने को मिलते हैं आपके मोबाइल में। तो थीम वो होता है जैसे कि आपका वॉलपेपर जिस टाइप का होता है उसी टाइप के आपको छोटे छोटे आइकन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपका आइकन स्टाइल चेंज हो जाता है तो उसे हम वॉलपेपर थीम कहते हैं। तो थीम चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, सेटिंग पे चले जाएंगे और सेटिंग पे जाने के बाद स्क्रॉल करेंगे, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे सेट थीम पे क्लिक करना है। सेट थीम पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ये दोनों अप्लाई कर रखे थे पहले। तो आप इस टाइप से नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बाय का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है, आपको फ्री वाला थीम चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ओपन थीम स्टोर पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स पे जाना है और फ्री थीम पे आपको सर्च करना है फ्री थीम। तो यहाँ पे जितने भी फ्री थीम होंगे सारी यहाँ पे आ जाएंगी, तो यहाँ पे आप देख के डाउनलोड कर लेंगे। तो ये रहे आपके थीम, तो यहाँ पे आपको जो पसंद आ रहा है वो आप लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैं इस वाले थीम पे क्लिक कर लूँगी तो डाउनलोड पे मुझे क्लिक कर देना है और ये डाउनलोड हो रहा है और इसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका थीम सक्सेसफुली चेंज हो गया है। तो आपके बैकग्राउंड के साथ आपके आइकन का स्टाइल भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोम इस टाइप का लिखा हुआ आ गया है और आपके जितने भी आइकन्स हैं सभी इस थीम के अकॉर्डिंग चेंज हो गए हैं। तो इस टाइप से आप अपने फ़ोन की थीम अलग अलग लगा सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।